नीतीश बाबू अभी क्या कह रहे हैं 2025 में महागठबंधन क्या रहेगा, नहीं रहेगा, बचेगा नहीं बचेगा, तो जो तेजस्वी जी को कह रहे हैं वो पूरा होने वाला है? कभी नहीं पूरा हो, आज ही नहीं है जी महागठबंधन, आज भी नहीं है। कल की रैली से तो स्पष्ट हो गया ना कि उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं पलटू चाचा, तो वो तो अपना अपने अपने समय काट रहे हैं, मैंने पहले बताया, और नुकसान हमारे पूरे बिहार को रहा। तो हमारा घर नहीं है, पीछे का वीडियो जो सुधरा था 2005 से 2010 में, आज आप पटना को देखिए क्या हाल है। दिन दहाड़े गोली मार दिया जा रहा है, बालू के मुद्दे पर, शराब के मुद्दे पर, पूरी सरकार ने पूरा प्रशासन को बिल्कुल पंगु बना दिया है। और आज यहाँ जो महागठबंधन की सरकार, जो कहते हैं सरकार तो है ही नहीं, क्या सरकार होगी, इतना लाचार, बिल्कुल असहाय मुख्यमंत्री तो आज तक बिहार में हुआ ही नहीं। इसका कारण क्या है कि नीतीश बाबू को बिहार की जनता ने जनादेश दिया था 2025 तक एनडीए के नेता ग्रुप में काम करने के लिए, लेकिन उन्होंने क्या किया, प्रधानमंत्री बनने की उम्मीद में उन्होंने पूरा का पूरा एनडीए गठबंधन से नाता तोड़ करके महागठबंधन में चले गए, और अब कह रहे हैं कि आजीवन उसी में रहेंगे। आप जरा इस चीज़ को समझिए कि भाई आखिर नीतीश बाबू की राजनीति क्या बिहार में रही थी, उनकी पूरी राजनीति जिसको आप आरआरजेडी पार्टी है उसके खिलाफ रही थी, तो जिसके खिलाफ आपने राजनीति किया आज उसी की गोद में बैठ गए हैं, और उनके ज़्यादा विधायक हैं आपके कम विधायक हैं, तो आप में शासन करने का आत्मबल, मनोबल और राजनीतिक बल बच ही नहीं गया है। इसीलिए बिहार में आप देखिए चारों तरफ क्या स्थिति है। कल उन्होंने वहाँ एक रैली किया, आपने रैली में ही देखा ना कि आरजेडी के युवा साथी लोग उनको पलटू चाचा कह के पुकार रहे थे। अब बताइए वो कह रहे हैं साथ पार्टी हम लोग साथ हैं, आपस में तो मन मिला है न, दिल मिला है न, विचार मिला है, तो कैसे फिर स्थिति में बिहार में कोई सरकार काम कर सकती है? वो भी आ गए जदयू में, तो मैंने बताया ना जी, मैंने बहुत पहले कहा था कि वो डूबता हुआ जहाज था, पिछले बार मैंने कहा था डूब गया, वो सही में डूब गया। अब वहाँ बच कौन रहे हैं, मुख्यमंत्री जी और उनके परम प्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और तो कोई है ही नहीं उस पार्टी में जी, तो अब वो लोग बच करके क्या, उनका क्या है वहाँ, उनका कौन सुनने वाला है, कौन करने वाला है? अब तो जो होता है ना, जब जहाज डूब जाता है तो उसका कवाड़ की नीलामी होती है, वहीं सब चले जाते हैं। क्या लग रहा है जीतन राम मांझी भी टूट जाएंगे? अब जाने वो जीतन राम मांझी जी, लेकिन जीतन राम मांझी जी को तो मुख्यमंत्री बनाए थे नीतीश बाबू, लेकिन 9 महीने के बाद हटाया कौन था? इसलिए नीतीश बाबू क्या कहते हैं, अभी वो क्या कह रहे हैं कि 2025 में महागठबंधन के जो नेता होंगे तेजस्वी यादव जी होंगे। आप जरा समझिए कि नीतीश बाबू की पार्टी जो समता पार्टी से शुरू होकर गया था, मैंने बताया ना उनका संघर्ष ही उन लोगों के खिलाफ था, आज उनको आप नेता कहने के, आप स्वीकार करिएगा नीतीश बाबू, आपके पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता आपके साथ संघर्ष किए वो कैसे स्वीकार कर सकते हैं? तो बिहार और वैसे भी, और वैसे भी आप जरा समझिए नीतीश बाबू अभी क्या कह रहे हैं 2025 में महागठबंधन क्या रहेगा, नहीं रहेगा, बचेगा नहीं बचेगा, तो जो तेजस्वी जी को कह रहे हैं वो पूरा होने वाला है? कभी नहीं पूरा होगा, कल्याण होगा। अच्छा, कब तक महागठबंधन रहेगा ये बताइए? आज ही नहीं है जी महागठबंधन, आज भी नहीं है। कल की रैली से तो स्पष्ट हो गया ना कि उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं पलटू चाचा, तो जन मैंने बताया ना, मन मिला है ना, दिल मिला ना, विचार मिला है, तो वो तो अपना अपने अपने समय काट रहे हैं, मैंने पहले बताया, और नुकसान हमारे पूरे बिहार को रहा। टफकॉन XT600 HCR TMT रिबा, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ, घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ टफकॉन XT के साथ।